Assalamualaikum। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रागो में एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आप लोगों की ना हद से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि एनोनिमस भैया हमें बताइए कि आपके फेवरेट गेम प्ले कौन कौन से हैं। तो गाइस, मौका नहीं मिलता था कि आप लोगों को बता पाऊँ कि मुझे कौन से गेम प्ले में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। आपको तो सब में आता है, वो तो बस आप लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे कौन कौन से गेम प्ले अच्छे लगे बोलो, आप लोगों को नहीं पता था। तो अब मुझे मौका मिला आप लोगों को बताने का, तो इसलिए मैं कुछ 5 गेम प्लेस लेके आया हूँ जो मुझे बहुत पसंद आए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आए होंगे ये वाले। तो सबसे पहले तो लाइक बटन ठोक दो और फिर एंजॉय करो वीडियो का। इस कमेंट में बताना कैसे लगे। इंशाल्लाह जल्दी पबजी की अपडेट आ जाएगी कि अनबैन होगी ऑफिशियली, और फिर हम मचाएंगे मौत कुछ होंगे और टक से वापस आएंगे। तब तक ज़रा देखो और कमेंट्स में बताना, लाइक ज़रूर कर देना। तो अर्ज किया है कि ज़ीरा प्लस इसलिए मज़े का है क्योंकि उसमें होता है ज़ीरा, बिस्किट होता है ज़ीरा प्लस। आपको अगर किसी को नहीं पता तो लाइक ज़ीरा प्लस काफ़ी फेमस बिस्किट है। ज़ीरा प्लस इसलिए मज़े का होता है क्योंकि उसमें होता है ज़ीरा। हम हर वक्त खेलते हैं पबजी, हमें काटते पबजी का कीड़ा। सस्ती शायरी विद नॉनी मस्त, सस्ती शायरी के चक्कर में हम लोग गिर चुके नीचे। तो लाइक अभी हम रिवाइव होंगे, शायरी में दोबारा सुनाना चाहूँगा लेकिन मेरे को भी मज़ा नहीं आया, दोबारा सुनाते हैं। ज़ीरा प्लस इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उसमें होता है ज़ीरा। हम लोग खेलते हैं 24 घंटे पबजी के, हमें काटता है पबजी का कीड़ा। सस्ती शायरी विद एनोनिमस। तो लाइक अभी मैं नॉक हुआ मज़े से, इन्होंने घरों से मुझे नॉक किया, लाइक काफ़ी अच्छा मारा था लॉन्डो ने। और फिर गाइस हम आके यहाँ पे लूट करने लगे। दे आर मारिंग मी वेरी अच्छा एंड माई पिछवाड़ा होइंग जख्म एंड आई एम बर्निंग क्रेट। सो नहीं, आई एम बर्निंग बकरा। सो रिवाइव माई मिलिंग। यहाँ पे हमने अपना बदला लिया, हमजा भैया को किया नॉक। अब हमारे टीममेट जो हैं उन पे रश हो रहा है। मैंने हमजा भैया को फिनिश नहीं किया, अपने टीम को कवर देने के लिए चला गया। लाइक वो भी बिल्कुल क्लोज में जंप किया था गाइस उसने, ठीक है। लेकिन अभी हमने नहीं सोचा, वहाँ पे बंदा आ गया लॉल। इतनी देर में जब तक मैंने स्पॉट किया उसे, मैं यहाँ पे नॉक हो गया, लेकिन हमारे टीम ने उसको नॉक किया। तो लाइक अभी हम सेफ हैं। दो बार मैं नॉक हो चुका हूँ, दो बार उनके बंदे नॉक हो चुके हैं। काफ़ी टफ फाइट चल रही है, 2v4 चल रहा है यहाँ पे। और लाइक वो अब मेरे टीममेट को नॉक एंड फिनिश हो किया, तो लाइक हमारे दिल पे लगी सीधी। गलत कर दिया आपने, नहीं सही में बोल रहा हूँ सर, गलत कर दिया, दिल पे लगी। गलत बंदे को नॉक एंड फिनिश कर दिया आपने। और लाइक पूरा स्क्वाड तक खेल भी अच्छा रहा था गाइस, जब मैं अकेला था और लूट भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हीलिंग से मतलब नाम की हीलिंग थी। और फिर मैं लाइक स्क्वाडोज आया, स्क्वाडोज आके बॉट फायर दिया कि यहाँ पे आए, लेकिन वो लोग नहीं आए। उसके बाद क्या सीन हुआ गाइस, हीलिंग कम थी तो मैं सीधा आ गया ब्रिज पे। मैंने कहा बस रिस्क लेते हैं, कुछ हो जाए ब्रिज कैम करूँगा, या मरना या मारना है यहाँ से, वरना नहीं जाना। गाइज यकीन करो, कुछ 10 मिनट मैंने वेट किया। सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका था, 2000 मीटर बनता सर्कल, देख लो ये नया सर्कल। लाइक एक सर्कल टच होकर 2000 मीटर, इतना दूर सर्कल था। बट मैंने ना जाने का फैसला किया, वेट किया, ये लोग आए और फिर हमने मारा भाई। उमर भैया नॉक हो चुके हैं, फिनिश करने का ट्राई किया बट मैं नहीं कर पाया। लाइक काफ़ी देर वेट किया था गाइज, मेरे पास 3 बैंडेज, 2 फर्स्ट एड और 2 एनर्जी ड्रिंक थी बस, लाइक जब मैं ब्रिज पे आके बैठा। इसके अलावा कुछ हीलिंग नहीं थी मेरे पास। तो हमने यहाँ पे कर लिया अभी ब्रिज गेम। अब सोच लिया था लाइक जाने तो नहीं देना, आपने गलत बंदे को मार दिया सर जी, हमारे दिल में जाके लगी, लाइक फिनिश नहीं करना चाहिए था, लाइक नहीं मारना चाहिए था। फिर हम ब्रिज गेम करके बैठ गए, हीलिंग नहीं थी गाइस। मुझे पता था लाइक मैं मर जाऊँगा, लाइक मुझे ये नहीं पता था कि इतना अच्छा एंड होगा यहाँ पे। लेकिन मैं ये सोचा था कि मर के मरूंगा, लाइक मार के मरूंगा वैसे नहीं। तो एक फर्स्ट एड हमारा लग चुका है, एक फर्स्ट एड आ गया हमारा रह गया बस, और जोन में पहुंचने के तो चांसेस ही नहीं है। अगला जोन शुरू होने वाला है, तीसरा जोन शुरू होने वाला है 2000 मीटर जाने। और यहाँ पे हमने अच्छा टैग दिया, अच्छा डैमेज आया गया, कोई नॉक नहीं हुआ था। और वापस से मैं आ गया क्योंकि उनके पास M4 6x होगा और मेरे पास M4 AK 6x है, तो लाइक उनका स्प्रे ज़्यादा कंट्रोल हो पाएगा। दोबारा हमने उमर भैया को नॉक किया यहाँ पे, और लाइक मैं बड़ी जल्दी पिक दे के पीछे हो रहा था। लाइक बहुत ही सीरियसली गाइस फाइट ले ली थी, तो बुखार था ऊपर से, लाइक इंटेंस हो गया था काफ़ी ज़्यादा, लाइक काफ़ी सीरियसली मैं ये फाइट ले रहा था। तो अब उन्होंने स्मोक किया रश करने के लिए, तो मैं यहाँ पे नेट फेंक दिया। बाबा जी जिंदगी का मतलब मौत का बदला लेंगे भाई, ऐसे थोड़ी बैठ गए थे ब्रिज पे, बस सोच लिया था कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। तो मैं दोबारा माजरत करता हूँ अगर आज मेरी आवाज़ आपको डाउन लग रही है, आज आपका नाम बस डाउन लग गया। फिर मैं दोबारा स्प्रे दिया, इनके पास हेल्थ नहीं आया गया, दोबारा हमारे उमर भैया नॉक हो गया गया। चौथी पांचवी बार उमर भैया नॉक हुए थे और अब इनको आगे गुस्सा, लाइक इनके पास ना हीलिंग ख़त्म कर दी गाइस मैंने, मेरे पास तो थी नहीं, मैंने इनके पास भी ख़त्म कर दी नॉक कर करके, नॉक कर करके। और लाइक ये बंदे ज़्यादा हैं और मैं अकेला बचा था, ज़िंदगी खतरे में थी बाबा जी।
जिंदगी खतरे में, क्या जिंदगी बहुत ज़्यादा खतरे में थी। तो यार सबसे पहले गैस लाइक बटन लाजमी ठोकना आजकल मैं देख रहा हूँ गैस, लाइक सीरियसली बताऊँ बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं आजकल, एवरेज जितनी हमारी थी ना। उमर भैया फिनिश हुए, उन्होंने रश कर दिया। अब बास भैया को हमने यहाँ पे नॉक किया, अब इनका एक ही बंदा बचा, उसने भी रश कर दिया, उसने भी सोच लिया था कि अब तो नहीं छोड़ेंगे एनोनिमस भैया को। ये लोग ना जानते हैं अपनी पब्लिक गाइस। तो यहाँ पे हमने हमजा भैया को भी किया फिनिश। लाइक बहुत सी अपनी पब्लिक होती है ना वो मीटअप करने के लिए आती है, और बहुत सी पब्लिक होती है वो लाइक मारने के लिए आती है। तो ये लोग मारने के लिए आए थे और काफ़ी इंटेंस फाइट हुई, और हमने मौत का बदला ले लिया बाबा, जिसके बाद हीलिंग नहीं थी दोनों बॉडीज़ में, फिर हमने इस तरह मौत लाइक इस तरह मरने को तरजीह दी। ये बॉय ला 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 ला। और अब यहाँ से आप देखोगे कैसे हमने अपनी अकल इस्तेमाल की और पूरी स्क्वाड को जहन्नम रसीद किया। देखो ज़रा तो यार नहीं गलत हो गया, दोबारा फीलिंग के साथ। तो यहाँ गाइस हम मौत के मुंह में गए और फिर वापस आ गए, गलत हो गया था लेकिन चलो स्क्वाड आ गया। फिर और अब आप देखोगे कैसे हम अकल इस्तेमाल करके खेलते हैं। इस बंदे को तो मैंने नॉक किया, लेकिन इसके दो टीममेट बिल्कुल नीचे थे, तो मेरा कोई इरादा नहीं था भाई जाने का, और जंप करने का भी दिल नहीं था क्योंकि वो ज़रा डैमेज नहीं थे, और ऐसे मैं रश करता तो वो दोनों मुझे लाजमी मार देते। तो हमने थोड़ी अकल इस्तेमाल की, वेट किया, नेट निकाला, लेकिन मुझे साउंड आया। अब साउंड मैंने क्या लिया कि पहले वो राइट में था, नीचे किचन था या जो भी था वो, उसके बाद वो नीचे बिल्कुल मिडिल में आ गया, तो मैं वहाँ नेट करता ज़ाया हो जाता। दोबारा मैंने नेट निकाला और वो वापस वहाँ पर किचन में या जो भी ये जगह है नीचे आ चुका था। वो मुझ पे नेट कर रहा था, मैं उस पे नेट कर रहा था। अब इनका एक नॉक है और एक बंदे को ने लो कर दिया, अब रश करना बनता है। तो गाइस एक और बार हम मौत के मुंह में गए और से वापस आ गए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ भी आपको मजा आया होगा। फ़ौरन से मैंने यहाँ पे गाड़ी चेंज की, उठाई अपनी मेहरान गड्डी, पिंडी बॉयज़ मेहरान गड्डी। उठाने के बाद हमने, मैं बंदे ढूंढ रहा था, काफ़ी दूर दूर जा चुका था मैं, लेकिन बंदे नहीं मिल रहे थे। तो उसके बाद गाइस मैंने क्या किया, हमने फैसला किया कि हम जाएंगे यास नायक की रोड के ऊपर से, दरमियान से निकालेंगे अपनी मेहरान गड्डी को। ये आवाज़ ख़राब हो गई लॉल। अपनी मेहरान गड्डी को से रोड के दरमियान से निकालेंगे, कभी कभी ना अटक जाती आवाज़। मतलब क्या बोलूं अब मैं, ये था वो 1% के सामने चार बंदे, चारों इंडोनेशियन जिनकी पिंग भी अच्छी होती है, और ये गाड़ी टकराई, पता नहीं क्या हुआ और कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमने मौत को छुआ और से वापस आ गए। तो ठोको लाइक बटन और इस वीडियो को ना लाजमी शेयर करना किसी एक बंदे के साथ, तो लाजमी शेयर करना, क्योंकि देख लो बस बहुत ही टाइट वाली फाइट हुई थी यहाँ पे। तो भाई प्लीज़ शेयर करना अपने किसी दोस्त के साथ, उसको बताना ये देखो ज़रा जाके, सस्ती कमेंट्री देखना सुनना और गेम प्ले देखना सस्ते वाला। अकल इस्तेमाल के निकले वहाँ से, जैसे हमें टॉमी मिली ना, हमने कहा बाबा जी जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ उतरे आपके पिछवाड़े में मारेंगे टॉमी गन की गोलियाँ और आपका पिछवाड़ा सूज जाएगा ऐसे, फिर बैठोगे ना पेन होगा उसमें। तो हम टॉमी गन लेके जा रहे थे गाइस रश करने के लिए, हेलमेट वैसे कुछ नहीं है बाबा जी, लेकिन हेलमेट मिला शुक्र अच्छी बात है। और उसके बाद हम यहाँ पे TPP लेंगे, लॉन्डे को देखना, अले अले हमने तो आपको देखा ही नहीं सर जी, वाह वाह वाह, पीछे लेके बैठा लूँगा।
गाइस यहाँ पे दो स्क्वाड से करीब करीब तो जिंदगी खतरे में आने वाली। जैसे मैंने रिलोड लगाई ना यहाँ पे, इसका टीममेट साथ खड़ा था, साउंड लेके आ गया। ओ सर के साथ ये क्या हो गया? उसके बाद हमें मिल गई हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी गर्लफ्रेंड S12 की हमें मिल गई। हमने अपनी गर्लफ्रेंड उठा ली, लाइक हमारी पहली मोहब्बत आखिरी मोहब्बत ने नहीं देखा हमारी, वो दोनों ड्रॉप में है फिलहाल ना, वो ड्रॉप से बाहर नहीं देख सकते कि हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं। तो हमने अपनी गर्लफ्रेंड उठा ली और अब ये बंदे को फिनिश किया। पीछे बॉट भैया आ गए, बड़ी परफेक्ट कर रहे थे, हमें बॉट भैया को नॉक किया यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा एमो बॉट भैया पे वेस्ट कर दी। तो हमने वापस से अपनी टॉमी गन उठा ली और गाइस अब मैं रश करूँगा कंटेनर में, इनके बाकी बंदों का साउंड आ रहा था। चार बंदे गए, लाइक गाइस एक अगला स्क्वाड। अले 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 शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी बच गई, जिंदगी खतरे में आ गई थी बाबा जी। अब ये गाइस तीन ही लोग आए थे, इनका चौथा बंदा कहीं और उतरा था, अब वो बोल रहा था ला 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 ला, और जाओ जॉर्जो पुल, मर गए तीनों, ला 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 ला। मुझे पता आपको हंसी आई ये सुन के, तो देख लो बस। अच्छा मैं ये भी बोला करूँगा, लाइक जो जिस चीज़ से आपको हंसी आएगी ना गाइस मैं वो बोला करूँगा। दोबारा बोलूँ, दोबारा हंसना ठीक है। ला 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 ला, और जाओ जॉर्जो पुल, ई ई ई ई ई ई, ला 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 ला। और शुरू करेंगे सस्ती शायरी के साथ गाइस। हम आज की सस्ती शायरी मैंने लिखी है आपके दोबारा पबजी फ्रेंड के लिए, जो आपका पबजी का दोस्त नहीं, शायरी उसके लिए है, उसको मेंशन कर देना। अर्थ किया है, आज गेम में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लॉबी में दिमाग खाएगा, वाह 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 वाह, आज गेम में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लॉबी में दिमाग खाएगा, बातें करेगा 1v4 की और जाके बॉट से मर जाएगा। सस्ती शायरी विद एनोनिमस, ऐसे दोस्त को नीचे मेंशन करो या टैग करो और पता चलना चाहिए ना कौन है वो दोस्त भाई जो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करके मर जाता है। लाइक ये मैं क्लिप ना टिकटॉक पे भी डालूंगा गाइस, इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, तो वहाँ आप जाके ना मेंशन करना अपने दोस्तों को, मज़ा आएगा। तो गाइस आज का गेम प्ले सोलो स्क्वाड खेल रहे थे, ये भाई FBI जोकर वाले स्क्वाड से जो हमारी फाइट होगी ना, इसके पिछवाड़े में गोलियां मार के हम बहुत कुछ छुएंगे, से वापस आ जाएंगे बाबा जी। छोटी मोटी लूट कर रहे थे, उसके बाद गाइस यहाँ पर आता हूँ, बंदा टिकट भी ले रहा होता है, इसके पिछवाड़े में गोलियां मार के इसको नॉक करेंगे, रिवाइव लेने ऊपर चल जाएगा। और यहाँ तो भाई दंगा फसाद होगा गाइस, मैं बता रहा हूँ, यहाँ हम सच्ची में मौत के मुंह में आ जाएंगे और फिर से वापस भी आएंगे, बता रहा हूँ मैं। लेकिन मज़ा बड़ा आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ, बड़ी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, पब्लिक कुछ ज़्यादा ही आएगा। लगे मैं ढूंढ रहा था बंदा गया कहाँ, फिर ऊपर जाता हूँ, शायद ऊपर गया और वो ऊपर ही गया था, उसके टीम मेट आ रहे होते हैं आगे से भग भग के दो, और इसको देखो आए हाय आले आले, आजा मेरा छोना बाबू, मेरा बचाओ मेरा जानू, पिछवाड़े में गोलियां मार के नॉक किया सर को, फिर नेट निकालेंगे हम भाई, माली कर रहे हैं हम पे और हम नेट करेंगे, अभी माली निकालेंगे भाई हमारे। अले 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 अले, माली करोगे हम तो माली करेगा मेरे बाबू। यहाँ पे फिनिश किया गाइस, अब दंगा फसाद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ वाला जो क्लच था ना मेरा बहुत फेवरेट था, लाइक मुझे पता नहीं था, बस अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हम, हमारी ज़िंदगी बच गई। अब इसका टीम मेट आखिरी आ रहा है और एक स्क्वाड अलग रश कर रहा है, लाइक एक टीम अलग आ रही है और एक सोलो अलग आ रहा है अपने पे गाइस। हाय 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 गाइस, अब वो पूरी टीम आ रही है देखो, और ये वो ये जिनका प्लेन था, कपड़े देख रहे हो लॉन्डो के, आए बाजी मौत का छुआ, सब वापस आ गए, अकल इस्तेमाल की, शॉटगन से पिछवाड़े में गोलियां मारी एनिमीज के और जिंदगी खतरे में आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा बच गए। पिंडी बॉय ये बॉय कैसे कटिंग वटिंग करके जिंदा बच गए हम, मजे से पूरी मिलिट्री की लूट करेंगे और फिर गाइस यहाँ से निकलेंगे। अरे एक और सोलो आता है गाइस, वो देखो आहा हा हा, कितने मजे से खड़ा होगा, क्रेड लूट रहा है, आहा हा हा आहा हा हा, लूटो लूटो बाबा जी, अब्बा का माल है ना यहाँ पे, बंदे हम मार रहे हैं, लूट आप करोगे, अब्बा जी की शादी में आए हैं अब, हाँ पिछवाड़े में गोलियां मार के भाई को किया फिनिश, अकल इस्तेमाल करते हुए इसकी लूट करेंगे। और फिर लूट करने के बाद गाइस हम लाइक बहुत अच्छी लूट हो गई थी, 10 किल हो गए थे हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, और शॉटगन का जो क्लच था ना लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको लगा तो लाइक बटन ठोक देना गाइस, यार लाइक बड़े कम हो रहे हैं गाइस, तो डारसी लगाएंगे। अब डारसी लगाने की ट्रिक देख लो गाइस, मतलब बिल्कुल ना थोड़ा सा राइट से गैप देना सीढ़ियों पे, थोड़ा सा लेफ्ट से, तो इजीली आपकी डारसी ऊपर चली जाएगी। अब मैं ब्लास्ट नहीं की और नहीं, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी यहाँ पे, क्योंकि एकदम से बंदे आ जाते हैं और नीचे बंदा खड़ा हुआ था और वो मेरी गाड़ी के अंदर बैठ के ऊपर आ जाएगा, लॉल ये नीचे उसका टीममेट खड़ा हुआ है, डैमेज दिया भाई, लेकिन लौंडा देख लिया, लौंडे ने भग लिया अंदर।
और ये बंदा काफ़ी बंदे मारा था पचिंकी में, किलफील्ड में नाम आ रहा था इसका। और ये बंदा यहाँ पे ऊपर आता था, मैं शॉटगन निकाल लेता हूँ कि आएगा ना उसके मुंह पे शॉटगन मार के ना। लेकिन भाई अकल इस्तेमाल कर रहा था, काफ़ी अच्छा लड़का था ये। देखो कहाँ से जाके ना देखेगा मैं काम पे खड़ा हूँ, वो देखो आहा हा हा, दरवाजे पे चढ़ के आ रहा था लौंडा। आहा हा हा, अकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नीचे जमकी, नीचे जाते जाते ऊपर आ जाएगा और मैं रीलेट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। लॉल, जिंदगी खतरे में आ गई थी बाबा जी, लेकिन हमने इसके पिछवाड़े में गोलियां मारी, मौत को छुआ से वापस आकर अकल इस्तेमाल करते हुए बाबा जी को लगी। रीलोड किया, नेट करूंगा तो भाई साहब भाग के आ रहे होंगे। अले 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 अले, मिला बाबू, मिला छोना, मिला बच्चा, मिला पाला। अब गाइस देखो ओपन था, मैं यहाँ हील नहीं की, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा यहाँ पे हमारे साथ सीन। पेट्रोल पंप बिल्कुल जोन के ना एज पे था और लाइक यही मेन जगह थी, बाकी सारा ओपन था। तो अब तीन बंदे बचे हैं और ये 1v3 है। जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी रोकी और हील करने लगा, गाड़ी आ गई, अब तीनों बंदे रश करने आ गए। भाई ज़िंदगी खतरे में आ गई, लेकिन मुझे ना मतलब यही माइंड में आया कि मैं ना बूस्ट मारूंगा एड्रेलिन, ताकि आराम आराम से भी फाइट लूँ तो मेरी ज़िंदगी बच जाए। पीछे आ गया था, जी मौत को छुआ से वापस आ। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना, कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना। अगर अच्छी लगी तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। और उम्मीद करते हैं जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ऑफिशियली अनाउंस हो जाए कि पबजी अनबैन हो चुकी है। अभी तक चल नहीं रही थी और वैसे जो है अनबैन हो चुकी है, बट ऑफिशियली जो है ना अनाउंस होने रहता है। तो जैसे अनबैन होगी हम सब खुशियां मनाएंगे, मज़े करेंगे और मैं इंशाल्लाह इस पर एक ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ ना कुछ इंशाल्लाह मैंने सोच रखा है कि बांटूंगा खुशी की वजह से कि मेरी गेम अनबैन होगी। मज़ा आएगा ना गाइस, आप समझ सकते हो मेरी खुशी, काफ़ी खुशी होगी। तो मतलब एक कारोबार था जो बंद हो गया था और दुआओं से आप लोगों के प्यार से अल्लाह ताला के फजलो करम से दोबारा स्टार्ट हुआ, तो कुछ बांटना तो बनता ही है, मैंने सोच रखा है इंशाल्लाह कुछ बांटेंगे ब्लॉग में अपने। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए गाइस, लव यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।